ये जो आपने मुसर्रत और उसका लाडला बेटा नौखेज मेरे सर पर नाजिल कर दिया है ना, उसे प्लीज वापस बुला लें। आए जुबी, तू शहर जाके कितनी बदीद हो गई है। वो बेचारे तुम्हारी मोहब्बत में शहर आए, तुम कह रही हो कि क्यों आए हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत है, और मैं जानती हूँ अच्छी तरह आपने अपने सर की बला ना मेरे मत्थे डाल दी है। अच्छा छोड़ सारी बातों को, मैंने ना तुम्हें एक बड़ी प्यारी सी बात बतानी। मैंने ना अपने मारुख का रिश्ता तय कर दिया है। मारुख का रिश्ता? अच्छा नसरीन भाभी, अब वो प्यारी सी खबर सुनाए। वो तुमसे तो बात करने ही फजूल है। भाई कल से खुशी में हम यहाँ पे टोल पिट पिट के नाच नाच के थक गए हैं। तू कह रही है कि प्यारी सी बात ही सुना दो। फटे मुंह मेरा, तुम्हें जानती भी हूँ ना, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ पता नहीं किस उम्मीद पे। रख रही हूँ मैं फोन, तो गल सुन मेरी। वो ना मारो को बता देना, वैसे वो भी ना तेरे साथ रह रह के ना तेरे वर्गी हो गई है। अरे नसरीन भाभी आप मेरी बात तो सुने। नहीं रहन दे, बड़ा सख्त किस्म का ना मेरा मूड इस वक्त खराब हो गया। अरे मारुख का रिश्ता तय कर दिया और मारुख से पूछा तक नहीं। या अल्लाह हम किस दौर में जी रहे हैं, वहां लुडियां डाली जा रही हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं, और यहाँ जिसका रिश्ता तय हुआ है उसे ये तक नहीं पता कि उसका होने वाला शौहर बागड़ बिल्ला है या हीरो जैसा दिखता है। एक बात तो तय है, अगर लड़का मुझे पसंद ना आया ना तो ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। हाँ